इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको मिलेगा एक स्पेशल कूपन कोड। स्क्रीन पे दिए गए कूपन कोड से पाइए फ्री कॉइन्स। क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन पर और सुनिए एक लड़की को देखा दो के फुल एपिसोड्स। पिछले एपिसोड में अनिका के पापा ने कही थी उससे कोई ऐसी बात कि अनिका बेहोश हो गई। वो इस वक्त मौत के दरवाजे के करीब खड़ी थी। कुणाल को उसकी ऐसी हालत पर भी तरस नहीं आया, लेकिन जल्द ही कुणाल को इस बात का पछतावा होने वाला था। आइए अब आगे सुनते हैं कि अनिका के साथ क्या हुआ। उजल होती आंखों से उसने देखा कि गौतम दौड़कर उसके पास आ रहा था। गौतम ने हड़बड़ी में फोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया था, लेकिन ये सब देखने के बावजूद कुणाल वहीं खड़ा बेशर्म और बेरहम बनकर रम के घूंट मार रहा था, मानो उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने धुंधली हो रही थी। उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी, मम्मी मम्मी उठो मम्मी। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी वही आवाज अनिका के कानों में गूंज रही थी, मम्मी मम्मी उठो मम्मी, प्लेन लैंड होने वाला है। फ्लाइट के बिजनेस क्लास की आरामदायक सीट पे सोई अनिका की आंखें झटके से खुली और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल कोई बुरे सपने से कम नहीं था। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। रिया ने अपना गेमिंग टैबलेट माँ के पर्स में रखते हुए बड़े प्यार से अनिका से पूछा, मॉम क्या हम मेरे डैड को ढूंढने मनाली जा रहे हैं? लेकिन अनिका ने बड़े ही सरल तरीके से उसे समझाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारी कोई डैड नहीं है। इस पर रिया जवाब देते हुए कहती है, कम ऑन मॉम, स्कूल में हमें टीचर कहती है कि हर बच्चे के माँ बाप होते हैं, अब मेरे गेमिंग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स की तरह मैं किसी दूसरी दुनिया से तो आई नहीं हूँ ना, तो ऑब्वियसली मेरे पापा भी तो होंगे ही, या किसी जादूगर ने मुझे अपनी हैट में से बाहर निकाला है। आबरा का डाबरा रिया बाहर आ जा। रिया की ये बात पर माँ बेटी दोनों ही जोर से हंस पड़ी। अपनी हंसी पे काबू पाते हुए रिया ने दूसरा सवाल पूछा, तो क्या हम यहाँ मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका एक गहरी सोच में डूब गई। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले अस्पताल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अनिका के पापा की कदकाठी के एक आदमी ने उसके दोनों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी का सामना करके रिया को तो बचा लिया था, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी उसके बेटे को लेकर भाग निकला था। इस हाथापाई में अनिका को चोट भी लगी थी। चोट इतनी गहरी थी कि उसका बचना लगभग नामुमकिन था और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे अपने साथ बेंगलुरु ले आई थी, जहां अनिका का इलाज हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बड़ा हुआ उसका शरीर अब एकदम ही नॉर्मल हो चुका था। घने लंबे कमर तक के बाल, काली नोकीली आंखें, गोरे गोरे गाल विद अ परफेक्ट जॉ लाइन, गुलाब की पंखुड़ी जैसे नरम होंठ और सुराही लंबी गर्दन। शिफॉन की लाल साड़ी में अनिका की कमर ऐसी लग रही थी मानो कोई नदी समंदर से मिलने के लिए करवट ले रही हो। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पे एक नजर जरूर डालते। मासूमियत से सवाल कर रही रिया को ये नहीं पता था कि अनिका के मनाली लौटने का मुख्य कारण ये था कि पिछले 6 सालों में कुणाल के दादाजी किसी भी हालत में अनिका और कुणाल की शादी तोड़ने की मंजूरी नहीं दे रहे थे, लेकिन 6 साल बाद आखिरकार कुणाल की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो ये शादी तोड़ने के लिए राजी हो गए। मनाली वापस जाकर वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के साथ साथ अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना चाहती थी। थोड़ी देर में फ्लाइट ने लैंड किया। मनाली की जमीन पर कदम रखते ही न जाने क्यों अनिका की बाई आंख भड़कने लगी। उसे ऐसा लगा कि आगे जरूर कुछ बुरा होने वाला था। वो ये सोचकर लगेज काउंटर की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ी, जहां फ्लाइट के सभी यात्री मुस्कुराकर उसी को देखते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, मानो सब उसकी खूबसूरती में गुम होकर उसके पीछे पीछे चले आ रहे हों। अनिका थोड़ी कॉन्शियस होकर और रिया को संभालते हुए फटाफट
इस कूपन कोड से पाइए फ्री कॉइन्स। डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप। आगे चलने लगी। लगेज काउंटर पर से जैसे ही अनिका अपना लगेज लेने के लिए झुकी, फटाक से तीन और लोग भाग कर आए और उसका लगेज उठाकर अनिका को देने लगे, मानो सब इसी बहाने अनिका से बात करने की कोशिश करना चाहते हो। अनिका चुपचाप अपना लगेज ट्रॉली पर डालकर और रिया का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के बाहर की तरफ निकलने लगी। तभी उसके फोन पर उसके पापा गौतम का फोन आया। अनिका के फोन उठाते ही गौतम ने बिना कोई खैर खबर पूछे अनिका से कहा, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, उसके साथ सीधे घर आ जाना। यहाँ तुम्हें दो पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर्स और दूसरे वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर सोचकर आगे कहा कि खैर तुम घर आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अनिका ने भी बिना कुछ कहे फोन काट दिया। जैसा कि गौतम ने कहा था, कुणाल एयरपोर्ट के बाहर बड़ी ही बेसब्री से अनिका का वेट करते हुए खड़ा था। 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन था। डार्क ब्राउन कलर का कड़क सूट, शार्पली कटे हुए और जेल से सेट किए हुए बाल और ट्रिम की हुई दाढ़ी में कुणाल की पर्सनैलिटी तो निखर रही थी, मगर उसके तेवर अब भी वही थे, रूड और एरोगेंस से भरपूर। वो तो कनिका का इंतजार भी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द कनिका से मुक्ति चाहिए थी। कुणाल ने एक पैर जमी पर तो दूसरा पैर रेलिंग पर टिकाया हुआ था, जिसे वो कॉन्स्टेंटली हिला रहा था। एग्जिट डोर की तरफ देखते हुए कुणाल ने बड़ी ही बेसब्री से अपने ड्राइवर से कहा, आज तक इस दुनिया में किसी आदमी को डिवोर्स मिलने की इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई होगी। किसी भी कीमत पर आज ही उस मोटी से मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लूंगा। कुणाल की ड्राइवर राजू ने बीड़ी फूंकते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आज सुबह सुबह ही मैं माता के दर्शन करके निकला हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी 6 सालों पुरानी ये मनोकामना पूरी हो, आज आपके पेपर साइन हो ही जाएंगे। ये सुनकर कुणाल ने बड़े ही कटीले अंदाज में कहा, अब सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए, अनिका की कंपनी भी तो चाहिए जो उसकी मरी हुई माँ उसके नाम करके गई थी। राजू, जिसने अपने हाथ में अनिका के नाम का बोर्ड पकड़ा हुआ है, वो उस बोर्ड को सीधा करते हुए कहता है, अरे वो फैक्ट्री भी मिल जाएगी, फिक्र नॉट। तभी कुणाल के दिमाग में कुछ आता है और वो ड्राइवर से कहता है, अच्छा सुन, उसको देखते ही हमेशा मेरा मूड ऑफ हो जाता है और आज इतने अच्छे दिन पर मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उल्टा घूम के खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है? तूने भले ही उसे ना देखा हो, लेकिन तेरे हाथ में उसके नाम का बोर्ड देखकर वो तेरे पास आ ही जाएगी। कुणाल आलस लेते हुए उल्टा घूमने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसकी नजर एयरपोर्ट के दरवाजे पर पड़ी और कुछ देख कर उसकी नजर और कमर वहीं अटक गई। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा तो वो देखता ही रह गया, मानो जैसे उसने आज से पहले किसी खूबसूरत लड़की को देखा ही ना हो। उस लड़की को देखकर कुणाल के मुंह से निकल ही जाता है कि यार, इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में कभी दिखी ही नहीं। ड्राइवर राजू ने भी उसकी बात में हामी भरी। कुणाल बिना वक्त गवाए रेलिंग कूदकर उस लड़की की ओर दौड़ पड़ा और अचानक से वो उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था। अचानक कुणाल को अपने सामने देखकर अनिका हैरान थी। उसे एक ही पल में वो सब कुछ याद आ गया जो वो हमेशा से भूलना चाहती थी। अनिका एक पल के लिए सहम गई और उसको लगा कि कहीं पहले की तरह कुणाल फिर से उसकी इंसल्ट न कर दे, और इसीलिए अनिका सीधा कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। और तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मिस गॉर्जिस, आप मनाली में पहली बार आई लगती हैं, क्योंकि अगर पहले आई होती तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब तक आप मेरी नजरों से अननोटिस्ड रहती। अनिका को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई कि कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। अनिका ने रिया की तरफ देखा तो वो अपने टैब में वीडियो गेम खेलने में मस्त थी, और क्योंकि उसने हेडफोन पहने थे, उसे आसपास की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर अनिका को राहत मिली। अनिका कुणाल की बात को अवॉइड करते हुए वहां से साइड होकर टैक्सी को आवाज देने लगी,
टैक्सी, टैक्सी। अनिका नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने, लेकिन कुणाल भी हार मानने वालों में से थोड़ी था। कुणाल ने उसकी तरफ भागकर फिर से उसका रास्ता रोक दिया। अरे अरे, टैक्सी की क्या जरूरत है, मैं अपनी गाड़ी में आपको जहां जाए छोड़ देता हूँ ना। और एक मिनट, ये नन्ही गुड़िया कौन है? ये कहते हुए उसने रिया की तरफ इशारा किया और उसके गाल पर हाथ फिराया। लेकिन रिया जब टैब पर गेम खेल रही थी तब उसे कोई डिस्टर्ब करे वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए टैब से बिना ऊपर देखे उसने अपना गाल चटक लिया। ऐसा करने में रिया के कान से हेडफोन नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिर के उसके कंधे पर आ गए थे, लेकिन अभी भी उसका ध्यान वीडियो गेम खेलने में ही था। अनिका टैक्सी ढूंढने में बिजी हो गई, लेकिन कुणाल पीछे पीछे आकर उससे एक नहीं तो दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करता रहा। ओह समझ गया, ये आपकी छोटी बहन है ना? ये सुनकर रिया जोर जोर से हंस पड़ी। तभी कुणाल को वापस गौतम का फोन आया। कुणाल ने जैसे ही फोन उठाया गौतम ने पूछा, क्या तुम्हें अनिका दिखी? कुणाल ने बड़ा ही तीखा जवाब देते हुए कहा, ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं, जब वो गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वो ही दिखेगी, बल्कि उसके पीछे खड़े लोग भी दिखना बंद हो जाएंगे। हाँ। और वो रूडली फोन काट देता है। कुणाल की बात सुनकर अनिका को अंदाजा हो गया था कि वो पक्का उसी के बारे में बात कर रहा था। अनिका को कुणाल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे बस अब जल्दी से टैक्सी चाहिए थी। वो पूरे जोश और गुस्से के साथ जोर से चिल्लाई, टैक्सी। ये सुनकर कुणाल और ज्यादा इंप्रेस हो गया था और बड़े ही मीठे अंदाज में बोला, सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना, वैसे भी मैं जिसे लेने आया था लगता है वो आई नहीं। आप अगर बेंगलुरु की फ्लाइट में आई हैं तो आपने फ्लाइट में किसी बेहद मोटी औरत को देखा होगा। ये सुनकर अनिका एक पल को रुकी और उसने कुणाल की तरफ मुड़कर देखा। कुणाल आगे कहता है, दरअसल 6 साल पहले वो 120 किलो की थी और अब 6 साल में तो उसने पक्का डबल सेंचुरी पार कर ही ली होगी। अनिका बिना कुछ बोले कुणाल की बातें सुनकर सोच रही है कि पता नहीं क्या क्या सोच रहा है वो उसके बारे में। अपनी बातों को सुनते हुए कुणाल अनिका को देखता है तो वो उसे इंप्रेस करने के चक्कर में और उसे हंसाने के लिए आगे कहता है, वैसे मुझे लगता है कि फ्लाइट वालों ने उसे बिठाने से मना कर दिया होगा, कहा होगा कि अगर तुम बैठोगी तो फ्लाइट कैसे उड़ेगी। कहते हुए वो खुद भी हंसता है और उम्मीद करता है कि उसके जोक से अनिका को भी हंसी आएगी, लेकिन अनिका बड़े ही ठंडे तरीके से उसको देखती रही। अनिका को हंसता हुआ ना देखकर कुणाल ने भी अपनी हंसी को रोका और बोला, अजी छोड़िए, मैं भी किसकी बातें लेकर बैठ गया, कहां आप और कहां वो। तभी एक टैक्सी अनिका के पास आकर रुक गई। दूसरी तरफ पीछे से कुणाल का ड्राइवर हाथ में अनिका गुलेरिया का बोर्ड लेकर दौड़ा चला आ रहा था। वो आकर कुणाल के बाजू में खड़ा हो गया, मानो वो कुणाल को कुछ बताने आया हो। अनिका ने जल्दी जल्दी में रिया को टैक्सी में बिठाया और खुद जब टैक्सी में बैठने जा रही थी तब कुणाल ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। किसी से भी मेरा नाम पूछिएगा, मेरे घर तक छोड़ जाएगा आपको। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी और विंडो के पास झुककर बड़े ही फ्लर्टियस अंदाज में कहा, अरे मिस मिस, आप नाम तो बताती जाओ। ये सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। जिस लड़की के साथ कुणाल फ्लर्ट कर रहा था, अब क्या उसी लड़की को कुणाल डिवोर्स दे पाएगा? अनिका क्या कुणाल को माफ कर उसके साथ बिताई की जिंदगी, या फिर वो लेगी कुणाल से कोई बदला? क्या अनिका की कंपनी हथियाने के लिए कुणाल रचेगा कोई नई साजिश? अनिका की ये कहानी किस ओर जाएगी, ये जानने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें और सुनिए एक लड़की को देखा तो के फुल एपिसोड्स सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।